हे गाइस, सो जस्ट अभी मैं एग्ज़ाम सेंटर से वापस पहुंचा हूं और मेरा पहले दिन का पहली शिफ्ट थी मेरी। और दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी था। देखिए, और सबसे गजब की बात इस बार की ये है कि सबसे पहला सेक्शन जो खुला वो रीजनिंग का था। ऑटमोस्ट आप क्या देखते हो कि सबसे पहले इंग्लिश होता है, फिर मैथ्स होता है, फिर रीजनिंग होता है, बट ऐसा इस बार नहीं हुआ। सबसे पहला सेक्शन जो खुला वो रीजनिंग का था। देखिए, इंस्ट्रक्शंस आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो स्टार्टिंग में आते हैं। मैंने भी इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े थे और अचानक से रीजनिंग देखकर थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर से उधर हो गया था। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि सबसे पहले रीजनिंग खुलेगी तो आपको उसी तरीके से प्रिपेयर होते हुए जाना है। बट अगर मैं ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करूँ तो दोस्तों, एग्ज़ाम का लेवल ईजी था। देखिए, रीजनिंग में आराम से कोई भी स्टूडेंट, एक अच्छा खासा कैंडिडेट आराम से 30 के आसपास अटेम्प्ट कर सकता था। और अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो डेफिनेटली ही कुड अटेम्प्ट 35 ऑल्सो। उसके बाद दोस्तों, मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में पहली शिफ्ट में हम यूजुअली सोचते हैं कि मिसिंग नंबर सीरीज आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ था। आपको रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिली थी, बट साथ ही साथ और सारे क्वेश्चन, जैसे सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा थे, नियरली 10 से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन ईजी ही माने जाएंगे। ये पूरे पूरा जो पहली शिफ्ट थी वो ईजी ही मानी जाएगी मैथ सेक्शन में। और उसके बाद जो अर्थमेटिक आया था उसके साथ, वो भी क्वाइट डुएबल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। कुछ क्वेश्चन डुएबल थे और कुछ क्वेश्चन फिर से थोड़े से ट्रिकी बना रहे थे उसको, बट डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि मैथ्स में अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा डुएबल नहीं होती है। और दोस्तों, इंग्लिश की मैं बात बताऊँ तो इंग्लिश में पैसेज थोड़ा सा ऑन अ टफर साइड था। पैसेज में पढ़ना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था पैसेज को। पैसेज आया था नियर अबाउट रेस्टोरेंट्स को लेकर, होटल्स को लेकर, और उनकी हिस्ट्री और उनके फ्यूचर को लेकर आया हुआ था। तो दोस्तों, मैंने टोटल अटेम्प्ट अपने 92 करे हैं और उसमें से 33 अटेम्प्ट मैंने रीजनिंग में करे, 29 अटेम्प्ट मैंने उसके बाद मैथ्स में करे, और इंग्लिश में मैंने 30 अटेम्प्ट करे। तो दोस्तों, बताना आपके अटेम्प्ट कितने हैं अगले शिफ्ट में या चाहे इस शिफ्ट में। सो गुड लक ऑल ऑफ यू।